दीदी अब चलिए, अब वहाँ बैठे आइए। नहीं संभाल के, संभाल के मत रोइए ना डॉली दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा निशु, सुमित ने मेरा भरोसा बनने से पहले ही तोड़ दिया। निशु बनेगा दी, यहाँ देखिए जरूर बनेगा। अब उनकी भी तो प्रॉब्लम समझिए ना, एक तरफ आप हो तो एक तरफ लीला आंटी, अब उन पे भी तो कितना प्रेशर है। डॉली दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट बी पेशेंट। हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा सच्चे निशु। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी छोटी सी बहन निशु इतनी बड़ी हो जाएगी कि अपनी बड़ी बहन को शादी पे भी एडवाइस देगी। फिर से कर लो मुझे छोटा और बिठा लो अपनी स्लिंग बैग पर, अपने डिस्काउंट कूपन्स के साथ मैं वही बैठी रहूंगी। तू क्यों कर रही है? मुझे उमेश भैया ने मैसेज करके सब कुछ बता दिया। और मैं भी तो गोलू, मुझे भी अगिंग शगिंग पसंद है। डॉली दी हाँ। अभी जितना रोना है उतना रो लो, मेकअप के बाद मैं रोने नहीं दूंगी। फोटोज अच्छी नहीं आई तो? कीर्ति चलो चलो, अब कोई भी नहीं रोएगा। अब जाइए और कीर्ति के साथ तैयार हो जाइए, और सुमित जीजू की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वो मानेगा? जब साली मनाएगी तो साले को तो मानना ही पड़ेगा। उप्स, आई मीन जीजू को तो मानना ही पड़ेगा। मैं हूँ ना, अब जाइए चलो ना। स्माइल करो डॉली दी। क्या करने अब निशु? बोले तो सुमित जीजू को किडनैप कराऊं? सुकेतु तू बस गेस्ट हाउस जाके देख ले कि सुमित जीजू का टेम्परेचर डाउन हुआ कि नहीं। ठीक है। और सुन प्लीज प्लीज कोई नई प्रॉब्लम मत खड़ी करना, वैसे भी टाइम नहीं है हमारे पास, चल जा। हाँ हाँ मैं अभी जाता हूँ चेंज करके जीजू के पास। मैं जरा सौरभ को जाके मिलती हूँ, उसका आज का बिहेवियर देखकर उसकी इंक्वायरी लेनी पड़ेगी। निशु? हाँ? यहाँ? आई 48 चाचा जी, डन 49 लीला जी की बहन, डन डन 50 संदीप जी के मामा, डन डन हाँ? हो गया भाई? फाइनली जी। मान गया ना रमेश चाचू की अरेंजमेंट? हाँ सुन भाई, ये बात अपने पापा को बता देना, वरना वो मुझे दो कौड़ी का समझते हैं, डांटते ही रहते हैं। मैं क्या बताऊंगा, मुझे तो खुद ही आधे दिन डांट पड़ती रहती है। कोई नहीं बेटा, बाप की डांट ना खा लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन हाँ दिल पे मत लइयो, सेंटी मत होना। बड़े बड़े सपने ना सेंटी आपस से पूरे नहीं होते, ये बात याद रखियो, वरना तू भी ना रमेश चाचू की तरह फुस हो जाएगा। आप भी सेंटी हो गए थे क्या? अभी तक हूं यार, यही तो प्रॉब्लम है। सुन ये सब बातें पापा को मत बताना, वरना इनके लिए भी डांट देंगे मुझे। नहीं चाचू, आप लक्ष्मी चाची निशु आप लोग ही तो उस मकान को मेरे लिए घर बनाते हो। मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। यार तो इतना होनहार लड़का है, थोड़ी अकल हमारे सुकेतु को भी दिला देना, पता नहीं किसकी अकल पाई उसने। जाके जरा बाथरूम चेक कर ले, पानी वानी तो आ रहा है ना, बारात में काफियों के पेट गुड़गुड़ होते हैं। चाचू वो बानी आप ही चेक कर लोगे प्लीज, वो डेकोरेटर का फोन आ रहा है तो मैं गेट पे आके डेकोरेशन चेक करके आता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो आप गेट पे पहुंच गए? ठीक है मैं बस अभी आ रहा हूँ।
नमस्ते अंकल जी। सत श्री अकाल पुत्र, ठीक है? चलो अंदर चलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके वेज स्टार्टर इस पार्टी का सरप्राइज पैकेज है। सरप्राइज तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरे दादाजी को मैं एक अरसे से जानता हूँ। नॉन वेज खाने वाले और नॉन वेज बनाने वाले दोनों को ही पसंद नहीं करते। पूरी मार्केट मेरे यहाँ खाती है लेकिन वो नहीं आते। वो देखा ही नहीं कभी आज तक। अरे अंकल जी कुछ नहीं होगा, चलो तो सही। वैसे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इन सब लोगों ने आपके हाथ का खाना चख लिया ना, तो बाय गॉड दी कसम ये पार्टी का गंगवाल परिवार की हर पार्टी में आप ही का खाना होगा। वो जीवदा रहे पुत्र, चख दे फटे। चलो। ओ नॉन वेज है, दूसरी पार्टी की डिलीवरी है। ज्वाला तू इतनी जल्दी आ गई, 12 ताने में तो टाइम है ना। सत श्री अकाल जी, माई सेल्फ जरनैल सिंह, ओरिजिनल फ्रॉम बठिंडा, करंटली जयपुर। उमेश की फास्ट फ्रेंड का प्यो हूँ जी मैं, और आपकी पार्टी के वेज स्टार्टर भी मैंने ही बनाए हैं जी। अंकल जी ये ज्वाला मेरी कजिन। फूड काउंटर अंदर जाके सीधा और सीधा। अच्छा उमेश ज्वाला प्लीज कुछ मत पूछना। हाँ ये नॉन वेज बनाते हैं लेकिन ये वेज भी बनाते हैं, वो भी बर्तन अलग अलग रखकर। लेकिन भैया मनप्रीत इनकी बेटी और मेरी गर्लफ्रेंड, बस हो गया, जान लिया सब कुछ। हाँ और मैंने इन्हें इसलिए यहाँ बुलाया ताकि सब इनके खाने के दीवाने हो जाए जैसे मैं हूँ, और कुछ नहीं। पर दादाजी। दादाजी का तो मैं संभालूंगा। सर मैं क्या संभालूंगा, इनका खाना ही संभालेगा ज्वाला। बट तुझे मेरी कसम है तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी। प्रॉमिस। और लाखन भैया प्लीज आके उठा लीजिए। अभी आया उमेश जी। हाँ सुको बोल। उमेश भैया प्लीज जल्दी गेस्ट हाउस आ जाओ। अब क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया, प्लीज जल्दी गेस्ट हाउस आ जाओ। अरे कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उमेश भैया आप अंदर जाके प्रेपरेशंस देखो, मैं स्टार्टर्स अंदर रखवा दूंगा। पक्का? हाँ चलो ठीक है फिर। और सुनो सरदार जी बहुत क्यूट है, मतलब आई एम श्योर कि अमरप्रीत भाभी भी बहुत क्यूट होगी, है ना? हाँ अब जाओ जाओ। ये लीजिए। राजू एक कोल्ड कॉफी। राजू 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 आइसक्रीम डाल के लेकर आना, आज थोड़ा गर्म है। निशु प्लीज, आज मजाक नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तू निशु प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे यार, मुझे स्पेस चाहिए। एक मिनट। हेलो। हाँ माँ। निशु तू अभी तक बाहर क्या कर रही है? तुझे पंडित जी को लेने जाना है, तुझे भी तो तैयार होना है ना, ये सब कुछ कैसे करेगी तू? मॉम रिलैक्स, मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगी और 5 मिनट में पंडित जी को लेकर आ जाऊंगी। 2 मिनट 5 मिनट ये सब तू इतनी जल्दी कैसे करेगी? तेरे पास टाइम मशीन है क्या? रिलैक्स मिल्की, रिलैक्स मी। ठीक है मैं रिलैक्स्ड हूँ, अब तू फटाफट तैयार हो जा, मैं जल्दी घर आती हूँ। अरे थारा कम रही जा रहे ये क्या कर रही है तू? तूने ही तो कहा कि तुझे स्पेस चाहिए, तो मैं तुझे स्पेस दे रही हूँ। इतनी स्पेस ठीक है कि तुझे और स्पेस चाहिए? क्या बात है बच्चू, तू तो बड़ी अंग्रेजी झाड़ने लग गया। स्पेस एंड ऑल, हाँ देख सॉरी, ये स्पेस वेस ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे बस इतना पता है कि इस वक्त मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत परेशान है और उसे खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देख मुझे पता है कि तू सुमित जी से। सुमित ऐसे कैसे डॉली से झूठ बोल सकता है? कोई भी किसी लड़की के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकता है यार? मेरे बाप ने भी मेरी माँ से ऐसे ही झूठ बोला था, और एक दिन छोड़कर चला गया था वो उसे और मुझे। जब भी ऐसा कुछ देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है।
मुझे पता है कि बचपन में तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाना आसान नहीं। आसान नहीं, नामुमकिन है निशु। मैं कुछ भी संभाल लूंगा, लेकिन मेरी माँ, वो आज तक इस धोखे को नहीं भुला पाई। मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। मुझे सुमित और डॉली के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया यार। तू प्लीज उन दोनों को मेरी तरफ से सॉरी बोल दियो। उसे बोल नेटवर्क में आके बात करें। उमेश भैया, उमेश भैया। हाँ सुकू, सुमित से बात कर लेना। उमेश भैया बहुत अर्जेंट बात है, एक सेकंड होल्ड करो, मैं निशु को कॉन्फ्रेंस पे डालता हूँ। हाँ उमेश भैया और निशु आप दोनों कॉन्फ्रेंस पे हो। यार जल्दी बताना सुकू, यहाँ बहुत काम पेंडिंग है। यार उमेश भैया, सुमित जी ने बहुत ज्यादा पीली है। पीली हो गई है? कौन पीली हो गई है? कौन सी थी, बियर या विस्की? उमेश भैया आपको बियर चाहिए? अरे नहीं निशु, सुकू कह रहा है कि सुमित ने पीली है। मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि गिन सकूँ कि कितनी देर में उतरेगी। वो सब छोड़ो यार, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ यार। अरे यार मुझे तो आते आते आधा घंटा लग जाएगा। उमेश भैया आप चले जाइए, वरना कीर्ति कहाँ है, उसे भेज दो। यार मैं बैंगलोर छोड़ के कैसे आऊँ, और वो कीर्ति भी बारात के लिए रेडी होने गई है। किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा ना यार, मैं सब कुछ अकेले कैसे करूँगा यार। यार सुकू रुक, मैं कुछ करता हूँ। जीजू ने पी लिया यार, चल चल। पी लिए? हाँ। शादी है थोड़ी देर बाद। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।